यहां पर कानून व्यवस्था स्थापित करने की, लोगों को निर्भय होकर जीने के लिए जिन्होंने काम किया और उनका मधुर व्यवहार हम सबके स्मरण में रहता है और हम साथ साथ लंबे समय से काम करते रहे। जब से राज्य बना, क्योंकि मैं पहले से राजनीतिक क्षेत्र में था, वो कुछ बाद में आए 2007 से लगातार जिनको आपने इस क्षेत्र से विधायक बनाया, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह दीना जी को भी मैं नमन करता हूं, अपनी भावभीन श्रद्धांजलि उनको भी अर्पित करता हूं। जहां सल्ट के इन महान क्रांतिकारियों जिनके बारे में अभी अजय नड्डा जी कह रहे थे, इन महान क्रांतिकारियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित करवा दिया। इस सल्ट क्षेत्र के महान स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज शिक्षक दिवस भी है, इसलिए शिक्षक दिवस के अवसर पर जहां कुमार के पुरुषोत्तम उपाध्याय लक्ष्मण सिंह अधिकारी जैसे राष्ट्रभक्त शिक्षकों को भी मैं उनकी शहादत के लिए उनको नमन करता हूं। और सल्ट क्रांति स्वाधीनता आंदोलन का एक ऐसा अध्याय है जो हमेशा स्मरण में रहता है। पिछले वर्ष भी मैं यहां आने वाला था, मैंने कार्यक्रम भी बनाया हुआ था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण से मैं इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा था और बहुत सारी बातें उन्होंने महेश दीना जी ने यहां के लिए रखी थी, उन सभी को उस वर्ष मैंने अपनी घोषणा में सम्मिलित किया था। और मुझे खुशी है कि उसमें से अधिकांश घोषणाएं उनके लिए धन की स्वीकृति भी हो गई है। सल्ट क्षेत्र में आजादी की लड़ाई की शुरुआत खुदी बेगार आंदोलन के तहत, जहां ब्रिटिश हुकूमत के दमनकारी फैसलों की प्रतिक्रिया के कारण हुआ। कल हम बागेश्वर क्षेत्र में थे, वहां भी कुली बेगारी प्रथा के खिलाफ बड़ा आंदोलन जहां बागेश्वर क्षेत्र में हुआ, इस पूरे क्षेत्र में हुआ, जहां सालम जैती हमारे सोमेश्वर अनेकों स्थानों पर, जहां देश की आजादी के लिए हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने, पूरे पहाड़ के लोगों ने बहुत बड़ा काम और एक स्वर में कुली बेगारी न देने का संकल्प किया। 1931 में मोहान में जंगल आक्रमण के दौरान भी बेरहमी से आंदोलनकारियों को लाठीचार्ज किया गया और जो गांधी जी का ग्राम स्वराज आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महामंत्र बनाने में जो एक बड़ा योगदान देने का काम हमारे इस सल्ट जैती सालम और सोमेश्वर बागेश्वर अनेकों स्थानों पर देश की आजादी के दीवानों ने उसको महामंत्र बनाने का भी काम किया। भाइयों बहनों, जहां ये आंदोलन चला, हमारे अध्यापक पुरुषोत्तम उपाध्याय लक्ष्मण सिंह अधिकारी जी ने 1927 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया देश की आजादी के लिए। इस इलाके के ही समृद्ध ठेकेदार पान सिंह पटवाल भी इस पूरे आंदोलन में, उन्होंने भी अपनी सामर्थ्य से काम किया और इस आंदोलन में शामिल हो गए। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक रहे कुमार के पुरुषोत्तम उपाध्याय और लक्ष्मण सिंह अधिकारी की योगदान की चर्चा करना आज इसलिए भी जरूरी है कि उन्होंने शिक्षक रहते हुए जहां इस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया, वहीं आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उन पीढ़ी के स्मरण में भी हमारे ऐसे व्यक्तित्व रहे जो हमेशा याद किए जाते हैं। आज हमारे देश की आजादी के हमने अभी 75 साल पूरे किए और आजादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर मनाया गया। पूरे देश के अंदर इस आजादी के अमृत महोत्सव में यहां 60,000 से भी ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनेकों कार्यक्रम, श्रद्धांजलि सभाएं, अनेकों विभूतियों को सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हुआ। भाइयों बहनों, जहां हम हर वर्ष इस शहादत दिवस का कार्यक्रम मनाते हैं, उसके पीछे हमारा हेतु होता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वह पीढ़ी भी इस बात को ठीक प्रकार से, उसको विरासत की चीजों का पता लगे, विरासत की चीजों से वो कहीं न कहीं मिलने का काम, उनको जानने का काम उनके भी स्मरण में हमेशा रहे,
कि ये आजादी जैसा मेरे पिता जी कह रहे थे, ये आजादी इतनी आसानी से हमको नहीं मिली है। इस आजादी के लिए बहुत बड़ा जतन हुआ है, बहुत बड़ा संग्राम हुआ है। और 1942 में महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो मरो या मरो के नारे को पूरे इस सड़क क्षेत्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। और आज हम सब लोग उन सबको याद करते हैं। यहाँ के महासंग्राम में सल्ट क्रांति, जहाँ एक और अपार जन समुदाय का जमाक्रोश अत्याचारी अंग्रेज शासन के विरुद्ध इस क्षेत्र ने पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को बहुत बड़ी ताकत देने का कार्य किया। इसीलिए सल्ट वासियों की इस देशभक्ति पूर्ण जो शहादत थी, उसी के कारण से गांधी जी ने इस क्षेत्र को, अभी मुझे एक पुस्तक वहां पर भेंट करी गई जहां पर हमारा शहीदों का स्थल है, कुमाऊं की बारडोली भी इसको कहा था। शायद इसीलिए हमारे देश के जिन्होंने इस आंदोलन को पूरी तरह से जहां चलाने का काम किया, आजादी के इतिहास को बनाने का काम किया, गांधी जी ने भी हमेशा अपने स्मरण में रखा, इसलिए उन्होंने इन क्षेत्रों का भ्रमण भी किया। आज यहां पर सल्ट के खुमार नामक स्थान पर एक क्रांतिकारी लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में बनाया शहीद स्मारक अपने आप को समेटे हुआ है। मैं अभी महेश सिन्हा जी कह रहे थे कि उनका स्मरण प्रत्येक वर्ष होता है, और मैं भी यह मानता हूं कि ये शहीद हमारे हमेशा स्मरण पर रहने चाहिए। इसलिए मैं आज यहां पर घोषणा करता हूं कि वहां पर एक शहीद स्मारक, भव्य शहीद स्मारक उनकी स्मृति में बनाया जाएगा। सल्ट के असहयोग आंदोलन में ग्रामीणों के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति का जोश भरने के लिए हमारे स्थानीय कुमाऊनी कवियों ने उनकी कुछ पंक्तियां मुझे स्मरण हो रही है। हिटो उठो हिटो उठो हिटो हो उठो दादा भूलियो आज कसम खोला हम अपनी जान तक देश लीजा दूंगा देश लीजा दूंगा। तो ये हमारे उस समय के कवियों की कविताएं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक तेज धार देने का काम इस क्षेत्र से किया। भाइयों बहनों, जहां अनेकों योजनाएं आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन उत्तराखंड के अंदर चल रही है, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमने एक संकल्प लिया हुआ है। और ये संकल्प हमारा विकल्प रही संकल्प है। इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इस वर्ष 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ जी में आए थे, और केदारनाथ की भूमि से उन्होंने कहा कि यह आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और भाइयों बहनों, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने वहां उनके मुंह से शब्द निकले, और मैं तो इस बार सचमुच उनके शब्दों को मैं तब सुन रहा था और मैं आज स्मरण कर रहा हूं कि वो कैसे शिवरूपी शब्द थे कि उनके मुंह से निकले। और इस बार जो हमारी यात्रा चली, चार धाम यात्रा चली, पर्यटक जो हमारा ये सीजन चला, इस सीजन में अभी तक 30 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पर्यटक उत्तराखंड में रजिस्टर्ड रूप से आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के मुंह से शब्द निकला और हम उस दिशा में आगे बढ़ गए। अभी अभी कांवड़ यात्रा हुई हरिद्वार में, प्रत्येक वर्ष कांवड़ यात्रा होती थी, 2 सालों से कांवड़ यात्रा रुक गई, और इस बार कांवड़ यात्रा में भी 4 करोड़ के लगभग शिवभक्त कांवड़िए मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। भाइयों बहनों, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सभी 4 धामों को जोड़ने का काम हो रहा है, अच्छी सड़कें वहां बन रही हैं, उसी का जैसे वहां 4 धाम बने, हमने यहां पूरे कुमाऊं मंडल में प्रत्येक जनपद से जो हमारे पौराणिक धार्मिक स्थान है, उन सारे धार्मिक पौराणिक स्थानों को जोड़ने का संकल्प लिया है। और केवल हमने घोषणा नहीं करी है, हमने संकल्प लिया है कि हम मानसखंड कॉरिडोर बनाएंगे,
और भाइयों बहनों, हम मानस सरण कॉरिडोर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहले चरण का काम लगभग शुरू कर दिया है, उसके लिए डीपीआर बनाने का काम, उसके सर्वे का काम, सर्वेक्षण का काम लगातार आगे बढ़ रहा है। लगातार वो काम हो रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में हमारे इन सारे मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत जितने भी हमारे मंदिर आते हैं, बड़े बड़े मंदिर, पुराने मंदिर, हमारे धार्मिक स्थान, सबको एक दूसरे से जोड़ने का काम, वहां पर आधारभूत सुविधाएं बनाने का काम, आवास की सुविधा, आने की सुविधा, जाने की सुविधा, बिजली पानी की सुविधा, वहां पर सौंदर्यीकरण, ये सारे के सारे हमने उस पर रखे हैं। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जो आने वाले जो पर्यटक श्रद्धालु चार धाम में बहुत बड़ी यात्रा में आते हैं, बहुत बड़ी संख्या होती है, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, उन स्थानों पर आने वाले श्रद्धालु वो हमारे घर भी आए, उनका भ्रमण, उनका आना जाना पूरे उत्तराखंड के अंदर हो, उसके लिए हम लोग कनेक्टिविटी को विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं कि अच्छी सड़कें होंगी, कुमाऊं से गढ़वाल के सारे रास्ते अच्छे हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे तो सब आएंगे। उसके लिए जहां हमारे सांसद अरे कंडा जी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, जहां अनेकों अनेकों सड़क जो कुमाऊं से जोड़ने वाली है, एक सड़क हमारी ग्वालदम सिंगली और इसी क्षेत्र से होते हुए बागेश्वर से मुंचारी तक और मुंचारी से जोलजीवी तक, आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर वाली जो सड़क है उस सड़क से जुड़ने जा रही है। इसी के साथ साथ हल्द्वानी से हमारे कर्णप्रयाग तक की सड़क को भी स्वीकृति प्रदान हो रही है। रेल के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, जहां गैरसैंण है, चौटुकिया है, ये सारे के सारे क्षेत्र रामनगर से जोड़ने की कवायद चल रही है। इस क्षेत्र में माननीय सांसद जी लगातार काम कर रहे हैं। उधर कनकपुर से लेकर बागेश्वर तक की रेल लाइन को जोड़ने का काम हो रहा है। इस प्रकार से जहां सड़कों को, रेल लाइनों को जोड़ने का काम हो रहा है, अभी पिछले दिनों हमने उड़ान सेवा में अल्मोड़ा की उड़ान सेवा भी हेलीकॉप्टर से प्रारंभ की है। मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा का काफी समय से खुलने की अपनी प्रतीक्षा कर रहा था। भाइयों बहनों, अनेकों बार मैं स्वयं हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जी के पास गया, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके हमारे जो भी थोड़े हर्डल्स थे, थोड़ी उसमें कठिनाई थी, उन्होंने उसको स्वीकृति प्रदान की है और अब हमारा अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज विधिवत रूप से चालू हो जा रहा है, यही पर आपके बगल में। आज बहुत सारी योजनाएं देश के अंदर चल रही, भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है, आज भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। एक समय एक कालखंड था, उसको याद करिए आप, 2014 से पहले का कालखंड, वो कैसा कालखंड था, चारों ओर निराशा फैल गई थी, लोग अपने आप को बुझा हुआ, थका हुआ मान रहे थे, भारत का नाम कहीं दिखाई नहीं देता था, एक छिपा हुआ भारत, एक दब्बू भारत, एक पिछलप्पू भारत, ऐसी पहचान भारत की बन गई थी। भाइयों बहनों, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कामों के कारण से आज भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत, समृद्ध भारत, समर्थ भारत और शक्तिशाली भारत के रूप में जाना जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की मान सम्मान और पहचान में बढ़ोतरी हो रही है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिस क्षेत्र में आज भारत नेतृत्व करने वाला भारत न बन रहा हो। शुरू में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जनधन खाता खोलने की बात करी, डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात करी, तो कुछ ऐसे राजनेता और राजनीतिक दल जो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, जिन्होंने देश के अंदर लगातार 55 सालों तक, 60 सालों तक शासन करने का काम किया, वो विरोध करते थे कि देश के अंदर यहां पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, यहां डिजिटल ट्रांजेक्शन कैसे हो जाएगा। आज मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजेक्शन अगर किसी देश में हो रहा है तो हमारे भारतवर्ष में हो रहा है। भाइयों बहनों, ये हमारी उपलब्धि का दौर है। अभी रूस यूक्रेन का युद्ध होता है, रूस यूक्रेन के युद्ध में जहां भारत के बच्चे, हमारे बेटे बेटियां जो वापस आ रहे थे, वह तो तिरंगा हाथ में लेकर चल ही रहे थे, वो तो तिरंगा लेकर चल ही रहे थे। ऐसे देश
जो हमको हमेशा पानी पी पी कर कोसने का काम करते हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, सीमा पार से लगातार उकसाने का काम करते हैं, गोलीबारी करने का काम करते हैं, जिहादियों और आतंकवादियों को लाने का काम करते हैं, ऐसे देश के बच्चे भी वहां से बाहर आने के लिए अपने हाथ में तिरंगा लेकर चल रहे थे। भाइयों बहनों, ये नया भारत है, ये नया भारत है जिसकी पहचान पूरी दुनिया के अंदर हो गई है। अभी अभी कोरोना महामारी से हम लोग जूझे हैं, हम लोग लड़े हैं, और जब कोरोना महामारी दुनिया के दूसरे देशों में आ गई थी, भारतवर्ष में कोरोना महामारी आने वाली थी, हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोरोना महामारी आएगी तो क्या हाल हो जाएगा। पूरी दुनिया के लोग एक अंदाजा लगा रहे थे, सोच रहे थे कि भारत में जब कोरोना महामारी आएगी तो भारत का तो बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि यहां तो कोई नामकरण संस्कार होता है, कोई जन्मदिन का कार्यक्रम होता है, उसमें भी सैकड़ों लोगों को आना जाना आम बात होती है। ऐसे समय में भारत में इसका प्रबंधन कैसे होगा? भाइयों बहनों, WHO भी कह रहा था कि भारत दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा। आपने देखा कोरोना महामारी आई और बड़ा हमारे लिए संकट का काल आ गया। ऐसे संकट के काल के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार जिस प्रकार से देश के अंदर प्रबंधन करने का काम किया, जिस प्रकार से देश को व्यवस्थित करने का काम किया, उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक अभिभावक के रूप में पूरे देश की चिंता करी। और जहां हमें याद होगा जब पोलियो आया था देश के अंदर, तो पोलियो आया था तो पोलियो की खुराक आने में 1.5 दशक लग गए, 15 साल लग गए, लेकिन पोलियो की खुराक नहीं आ पाई। वहीं रात दिन अनुसंधान करने के बाद भारत की सरकार लगी रही, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं लगे रहे, देश के वैज्ञानिक लगे रहे, और 1 साल से भी कम समय के समय में एक नहीं 2-2 स्वदेशी वैक्सीन लाने का काम भारत की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, यह नया भारत है। इतना ही नहीं, जहां आज हम देश के अंदर एक टीका फ्री में लगा, दूसरा टीका फ्री में लगा, आज बूस्टर डोज भी तीसरी डोज के रूप में मुफ्त में जो है पूरे देशवासियों को उपलब्ध कराने का काम भारत की सरकार कर रही है। जहां 200 करोड़ टीके अभी तक लग चुके हैं देश के अंदर, वहीं एक तरफ तो दुनिया के देश क्या कर रहे हैं, वो अनुसंधान करके कोरोना बना रहे हैं, और भारत पूरे विश्व की चिंता कर रहा है, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है अयम निजम परोपेति गणना लघु चेतसाम उधार चरित्राणाम वैसुदैवम तु कुटुंबकम्। यानी कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस प्रकार की बातें हैं, इस प्रकार का मानसिक वह लोग रखते हैं जिनके दिल छोटे होते हैं, जिनके विचार छोटे होते हैं, जिनके छोटे छोटे लाभ होते हैं, छोटी छोटी हानियां होती हैं। लेकिन भारत की संस्कृति कहती है कि ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जिनका उदार तरीके होता है उनके लिए पूरा संसार अपने घर के समान होता है। इससे कोरोना महामारी के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे संसार की भी चिंता करी गई, और दुनिया के दूसरे देशों को भी कोरोना की वैक्सीन ऐसे संकट काल में उपलब्ध करवाने का काम भारत की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। और इतना ही नहीं, जब महामारी आ गई तो महामारी के समय में ये संकट उत्पन्न हो गया कि हमारे जो रिक्शा चलाने वाले हैं, टांगा चलाने वाले हैं, छोटा छोटा काम करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, उनका घर परिवार कैसे चलेगा, उनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा, उनको कहीं भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक अभिभावक के रूप में, जैसे एक माता पिता पूरे अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उन्होंने समूचे देश की चिंता करने का काम किया, और हर किसी के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आए, जिसमें 5 किलो राशन प्रति यूनिट के हिसाब से देने का काम मार्च 2020 से प्रारंभ हुआ और आज तक वह चल रहा है। भाइयों बहनों, आने वाले समय में ये योजना और विस्तारित हो रही है, चिदम्बर माह तक उस योजना को बढ़ाया गया है। ऐसे अनेकों कार्य आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना हो, हमारे यहाँ पर चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, वन नेशन कार्ड हो, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना हो, ऐसे तमाम योजना
हम उज्ज्वला योजना, हम सब लोग भूले भी स्वच्छ भारत अभियान उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में चला, घर घर शौचालय बनाने का काम, ऐसे अनेकों कार्य उनके नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर भी हम लोगों ने जहां नई सरकार के गठन होते ही, मैं आपको नई सरकार के गठन होते ही बहुत सारी योजनाएं जो हमने संकल्प के रूप में ली थी, उनमें से एक पहला हमारा संकल्प था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी सबसे पहली कैबिनेट में हमने सर्वसम्मति से फैसला ले लिया और उसमें हमने कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी ने लगातार कई बैठकें कर दी है, हितधारकों से हमारे जनसंवाद के कार्यक्रम आगे होने वाले हैं और उसके बाद वो कमेटी जो रंजना प्रकाश देसाई सेवा निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी है, वो एक ड्राफ्ट बनाएगी और उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड की सरकार लागू करेगी। क्योंकि भाइयों बहनों, इसके पीछे हमने 12 फरवरी 2022 को ये संकल्प लिया था कि उत्तराखंड जहां देवभूमि है, उत्तराखंड जहां गंगा यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड जहां हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, उत्तराखंड जहां हमारा दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, हम प्रदेश के अंदर किसी भी जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा, किसी भी पंथ का होगा, किसी भी समुदाय का होगा, हम उत्तराखंड के अंदर सबके लिए जो देश के अंदर लंबे समय से मांग थी कि समान नागरिक संहिता का कानून आना चाहिए, भाइयों बहनों, हमने उसी समय संकल्प लिया था और उस संकल्प को अब हम सिरोधार्य करने का काम, संकल्प को सिद्धि में बदलने का काम करने जा रहे हैं। जल्दी हम इसको लागू करेंगे। इसके साथ साथ हमने यह भी संकल्प लिया था कि जो गरीब परिवार है हमारे, उन गरीब परिवारों को, अंत्योदय के जो कार्ड धारक हैं, अंत्योदय के कार्ड धारकों को एक साल में 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का भी हमने संकल्प लिया था। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इसके लिए जहां 55 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान कर दिया है, वहीं हमने इसका शासनादेश भी कर दिया है। जल्द ही हम पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ इस योजना को लागू करेंगे और हमारे गरीब परिवारों को एक साल में 3 सिलेंडर मुफ्त में देने का काम भी किया जाएगा। भाइयों बहनों, वहीं भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए हमने संकल्प लिया हुआ है कि हम उत्तराखंड के अंदर दीमक बन चुके इस भ्रष्टाचारी रूपी दीमक को जड़ से समाप्त करेंगे और उसके हमने शुरुआत कर दी है। अभी अभी हमने एक 1064 एक नंबर हमने लॉन्च किया है। कहीं पर भी आपको अगर किसी कार्यालय में, किसी जगह पर, कहीं पर कोई भ्रष्टाचार की बात आती है, कोई रिश्वतखोरी की बात आती है, कोई लेने देने का मामला आता है, तो आप इस नंबर पर डायल कर सकते हैं और इस नंबर पर आप डायल करेंगे तो ये किसी को बताया नहीं जाएगा। ये नहीं होगा कि किसी ने अगर शिकायत करी तो उसका नाम बता दिया जाएगा, उसका नाम नहीं बताया जाएगा, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, उसकी सूचना भी गुप्त रखी जाएगी, लेकिन कार्रवाई खुलेआम होगी, कार्रवाई खुलेआम होगी। ऐसे कई मामलों में उत्तराखंड की विजिलेंस ने भी काम करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड की विजिलेंस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हमने उसके ढांचे के पुनर्गठन के भी आदेश कर दिए हैं। इसके साथ साथ उनके लिए 2 करोड़ रुपए का हमने अलग से फंड भी जारी कर दिया है। पहले कोई विजिलेंस वालों के पास आता था, किसी की शिकायत करता था तो उल्टा उसी को पैसे देने पड़ते थे, वो पकड़वाने के लिए जो पैसे देते थे उन पैसों को वापस करने में कई साल लग जाते थे, 10 साल 15 साल लग जाते थे। भाइयों बहनों, अब हमने यह तय किया है कि जो भी भ्रष्टाचार को समाप्त करने में, भ्रष्टाचार में अपना सहयोग करने में, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आगे आएगा, उसके पैसों को हम 15 दिन के अंदर जो भी धनराशि होगी 15 दिन में उस धनराशि को संबंधित व्यक्ति को वापस करेंगे। इस प्रकार का भी हमने निर्णय ले लिया है। इसके साथ साथ जहां हमने आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाने का काम किया है, आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया है, वहीं प्रधानमंत्री जी की जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान है उसको आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना प्रारंभ की है। 207 प्रकार की जो पैथोलॉजिकल जांचें हैं सरकारी अस्पतालों में उसको भी हमने मुफ्त में करने का निर्णय लिया है। सभी जिला स्तर के अधिकारियों को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आम जनता हेतु उपलब्ध रहने के भी निर्देश जारी किए हैं। वहीं पर्वतमाला परियोजना जो भारत सरकार लाई है, पर्वतमाला परियोजना के माध्यम से हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम रोपवे के कार्य प्रस्तावित किए हैं। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन
इसको बढ़ाकर हमने जो 1000 रुपए थी इसको 1500 रुपए करा है। इसी के साथ साथ जो दो दंपत्ति परिवार में होते थे, दो बुजुर्ग होते थे, तो दो बुजुर्गों में से एक को पेंशन मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, हमने यह भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है कि आप परिवार में दो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, दोनों ही बुजुर्ग दंपत्तियों को पेंशन देने का काम हमारी सरकार करेगी। इस प्रकार का शासनादेश हमने जारी कर दिया है। जहां ग्राम प्रधानों का मासिक मानदेय बढ़ाकर उसको भी हमने 3500 रुपए किया है, व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना की राशि को 10 लाख रुपए किया है, 5 लाख से बढ़ाकर सीमांत तहसीलों में मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ की है। और पलायन, इसकी बात लगातार होती है कि हमारे पहाड़ों में से लगातार लोग बाहर जा रहे हैं, लगातार अपने रोजगार के दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना भी हमने प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से जहां स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, होम स्टे जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में प्रोत्साहन दिया जाएगा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए भी अभी हमने बैंकों के साथ जब बैठक करी थी, उन बैंक के अधिकारियों से भी हमने कहा कि जिस प्रकार से हमने उत्तराखंड सरकार में एक फार्मूला तय किया है, एक मंत्र हम लाए हैं, सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र, निस्तारीकरण का मंत्र और संतुष्टि का भाव, यह एक उत्तराखंड सरकार ने अपने मंत्र के रूप में इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। वैसे ही मैंने बैंक के अधिकारियों से भी कहा है कि आपके बैंकों का भी ये भाव होना चाहिए कि कोई बैंक में आपके यहाँ ऋण लेने आए, कोई अनुदान के लिए आए, तो उसको कैसे उसका हल किया जाएगा, कैसे उसको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, आप इस मानसिकता से इस दिशा में काम करें। तो उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया कि सारे बैंक एक सा फॉर्मेट बनाएंगे अनुदान लेने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत सारी जगह पर यह बातें आई कि हमारे नौजवान युवा बहुत सारा अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, बड़े उत्साह से आते हैं, लेकिन कई बार उनको दूसरी तरफ से उतना अच्छा रिस्पांस न मिलने के कारण से वो हतोत्साहित हुए हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि हर सेक्टर में हम किसी को हतोत्साहित नहीं होने देंगे, सबको साथ में लेकर इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 50,000 रुपए तक का ऋण, COVID-19 के दौरान आए हुए सभी बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी चलाई है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, अभी हमने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी परियोजना उन्नयन योजना, जो 14 से 23 वर्ष के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति, खेल किट, ट्रैक सूट व खेल उपकरण देने की भी व्यवस्था इसमें की है। इसके साथ साथ पूरे उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने एक ओपन जिम खोलने का भी निर्णय लिया था, ये घोषणा करी थी, इसके लिए भी 10 करोड़ रुपए की धनराशि का हमने प्रावधान कर दिया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, हमारा प्रशासन पहुंचे, उस तक भी जहां कोई नहीं पहुंच रहा है, जहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वहां तक जाने का काम हमने अपने संकल्प के रूप में लिया हुआ है। इसके साथ साथ 2025 में, जैसा अभी उद्घोषक ने कहा कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, तो मैंने सभी विभागों से कहा है कि दो प्रकार का रोड मैप बनाएं, एक रोड मैप अगले 10 सालों का और दूसरा रोड मैप अगले 3 सालों का। जब हमारे राज्य को बने हुए 25 साल पूरे होंगे, उस समय हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, रजत जयंती वर्ष में हम कोई कार्यक्रम, कोई ऐसी नीति, कोई ऐसा काम अपने विभाग में करें जिससे कि वो विभाग का काम पूरे उत्तराखंड के लिए, तो जहां ये माना जाए कि बहुत अच्छा काम हुआ है, इसके साथ साथ पूरे देश की भी नजर जाए, हमारी बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में वह काम जाना जाए, जब हम 25 साल के हों, तो जहां हम एक तरफ रजत जयंती वर्ष को धूमधाम से मना रहे हों, वहीं कामों की दृष्टि से भी हर विभाग कोई न कोई काम कर रहा हो, आदर्श उत्तराखंड बने, उत्कृष्ट उत्तराखंड बने, पूरे हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड बने, उस दिशा में हमने संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, उसके लिए हम बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, जैसे हम पलायन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फलों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बागवानी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उद्योगों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे ही नौजवानों के रोजगार के लिए भी अभी हमने बहुत सारी पोस्टें निकाली, 6000 पोस्टें जो अभी हमारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जिनकी भर्ती होनी थी, वहां पर आप सबको पता है कि लंबे समय से बहुत सारे घपले घोटाले सामने आए हैं, हमने उसकी जांच प्रारंभ की है और उस जांच में अभी तक 36 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं, वो जितने भी बड़े बड़े माफिया